नमस्कार दोस्तों, आज की बाद में वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोयल में तार कितने नंबर से यूज होती है और कौन सी तार आप यूज करते हैं और हम लोग कौन सी तार यूज करते हैं अपनी कोयल बनाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में। मैं एक छोटा सा इंटरव्यू लिया है ऑडियो, वो तो मैं सुनाऊंगा आपको। पहले मैं आपको बता दूं, जो कोयल होती है वो हम 35 नंबर से 43 नंबर तक कोयल का यूज करते हैं। उसके बारे में एक छोटा सा इंटरव्यू है भाई का और हम दोनों का, तो उसको भी तो हम बताएंगे ये डिटेल में कि आपको क्या, आपकी समस्या उस कोयल के उसके बाद खत्म हो जाएगी। पर इस इंटरव्यू के बाद आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं मुद्दे वाली बात, कितने नंबर से, पहला नंबर कौन सा होता तार का? भाई 35 नंबर से स्टार्ट हो जाती है। 35 नंबर में कौन कितने इंची वाली तार बन सकती, कोयल बन सकती है? भाई यार कितनी बना ले, 8 की, 8 इंच की, 12 की, 16 की, 12 की 16 की इंची की कोयल बन सकती है ना उसमें? हाँ, 8 इंची से स्टार्ट हो जाती है, 8 की, 7 की। और जो इसमें 35 इंची की बात कर रहा था कोयल की, 35 नंबर ना तार नंबर, तो इसमें मैं बोल रहा हूँ वो सबसे पतली होती है कि सबसे मोटी होती है? सबसे मोटी तार होती है भाई, वो मोटी तार होती है इसलिए उसमें कॉइल में सबसे मोटी, मतलब कॉइल में लास्ट नंबर की तार यही लगती है। इससे मोटी तार मैंने देखी थी, इससे मोटी बाइंडिंग में लगती है, वो मोटर बाइंडिंग में। हाँ, वो नंबर बढ़ जाते होंगे। और ये 35 से 40 तक जाती है? 35 से भाई मैंने 43 तक देखी है लास्ट, मेरा 43 तक यूज हुई है तो मुझे 43 तक पता है भाई, 43 तक जाती है। वैसे जाती है 43 से ही पतली जाती है भाई, पर मेरे लास्ट 43 तक यूज हुई तो बहुत ही पतली जाती है। उसके बाद ये पतली होती है जो हमारे उसमें लगती है, किसमें लीडो के स्पीकरों में, उससे पतली आ जाती है। जितना नंबर बढ़ेगा उतने पतली होती जाएगी? हाँ भाई, जितना बढ़ता जाएगा उतनी उतनी पतली होती जाएगी, ओम्स बढ़ते जाएंगे बस। मतलब तार में ओम्स डिफाइंड होते क्या? हाँ भाई, तार से ओम्स निकलते हैं। अब 43 नंबर में सोच, मतलब एक कोयल बनाते हैं जितनी लाइन देते हैं उस पे वो होता है क्या ओम्स का? हाँ भाई, इस तरह से समझ सकता है। 39 नंबर में मैंने 5 लाइन लगाई है ना, और अगर वही चीज मैंने 43 नंबर में लगाई है तो 39 नंबर में मेरे 4 ओम्स रहेंगे, उसमें बढ़ जाएंगे, उसमें 8 ओम्स हो जाएगी। इसलिए तार के साथ कोयल का बनाने का सब बहुत खतरनाक है भाई, क्योंकि इसमें ओम्स के हिसाब से बनाते हैं हम लोग। और स्पीकर का साइज तो एक ही होता है, और उसे उस स्पीकर में कितने ओम्स चाहिए फिर उस हिसाब से निकालनी पड़ती है तार। मतलब स्पीकर का साइज में अंदर अंदर स्पीकर के ये होता है ना कि भाई तार, आपको तार कितनी पतली चाहिए, तार पतली लगाने का और मोटी लगाने का क्या फर्क पड़ता है? अंदर जाए स्पीकर में जब कॉइल जाती है ना, तो भाई कॉइल हवा में होती है, टच नहीं करती कहीं से भी। अच्छा, तो साइज जगह उतनी ही होती है, अगर तुमने थोड़ी मोटी तार की लगाई तो बाहर टच करेगी वो, और जितनी और पतली लगाई तो फिर टच नहीं करेगी, क्योंकि जगह तो उसकी उतनी है, तो वही फर्क आता है उसमें तार पतली मोटी से। एक जगह जितनी है उतनी ही पतली तार जाएगी। अच्छा, जगह जितनी पतली है उतनी पतली पतली तार लगाने से आवाज अच्छी आती है? आवाज तो अच्छी आती है, फूकने का डर जल्दी होता है। हाँ, क्योंकि भाई पतली है तो लोड पड़ेगा तो फूकेगी ऑटोमेटिक। भाई गर्म होगी फिर स्पीकर को करंट से होता है, जहाँ करंट का तेज हुआ कोयल एकदम पतली। मतलब अधिकतर जो यूज होती है वो 35 नंबर, 36 नंबर, 38 नंबर तक होती होगी भाई? ये 38 नंबर 6 इंची तक चली जाती है, 6 इंची स्पीकर तक। हाँ, 38 नंबर तक, नहीं 38 नंबर मान लो, 38 नंबर 6 इंची तक चली जाती है। और 35 नंबर 2 इंची का भी लग जाती है? 38, 37, 36, 35 ये सब 6 इंची से स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद जितने जैसे स्पीकर निकलता जाएगा उस हिसाब से बनती जाएगी। इतने नहीं बनेगी वो, मतलब 8 इंच स्पीकर में मैक्सिमम 36 और 35 यूज करते हैं। ये बता, जो 38 नंबर वाली है वो छोटे स्पीकर की में भी कोयल बन जाएगी उसकी? नहीं बनेगी, तार मोटी होती है, वो 6 इंची वाले में ही यूज होगी ना? हाँ, 6 इंची 5 इंची स्पीकर में यूज होगी। हाँ, यही बात पूछनी थी। और 37 नंबर वाली 6 इंची में ही होगी यूज? कौन सी 37 नंबर? 8 इंची से भाई, 37 नंबर 8 इंची में यूज होगी? 37 नंबर ये तेरी 7 इंची 8 इंची 6 इंची में तो यूज कर सकता है, पर यूज करते नहीं है। 37 नंबर भाई कोई यूज नहीं करता आज की डेट में तार, समझ ले मार्केट में मिलना ही बहुत मुश्किल का काम है 37 नंबर। और 36 वाली एक बार बताए कितने कितने स्पीकर में होगी? 8 इंची से स्टार्ट कर दिया, 8 इंची 9 इंची 8 इंची 10 इंची 12 इंची 12 इंची। बस 12 इंची 8 इंची 12 इंची 10 इंची। और 35 वाली? 35 नंबर मैक्सिमम 4 लेयर में यूज करते हैं, 4 इंची तक ना? 8 इंची से 4 लेयर। और 40 वाली किस में करते हैं?
40 नंबर से स्टार्ट जाती 4 इंची स्पीकर में, 4 इंची स्पीकर 40 और 41 का पता, 41 और 42 ये सब इसी से स्टार्ट जाती है भाई, 4 इंची 2.5 इंची स्पीकर, मतलब छोटे जो ये जितना नंबर बढ़ेगा वो छोटे स्पीकरों के लिए यूज होगी। हाँ भाई हाँ, ये मान लीजिए जितने छोटे स्पीकर उतने नंबर बढ़ते जाएंगे, वो उतने ही नंबर जैसे 41-44 का यूज करना है तो वो छोटे स्पीकर होंगे, लीड और अदर चीज है ना, वो छोटे छोटे 1.5 इंची 2 इंची स्पीकर। और जिधर इधर माइनस में जाए तो 35 इंची 34 इंची के आसपास तो होती ही नहीं होगी, 34 इंची की 34 इंची एक तार होती है पर वो मोटर बाइंडिंग में जाती है। हाँ, वो मोटर जितनी वो मोटी होगी वो मोटर बाइंडिंग के लिए यूज होगी और बड़े स्पीकरों के लिए होगी, जैसे 35 इंची 4 इंची 8 इंची 10 इंच। हाँ ये 4.5 इंची स्पीकर में 38.5 से स्टार्ट हो जाती है।